हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आती होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर नहीं आती होगी तो सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं वीडियो बहुत सिंपल बनाती हूँ ताकि वो हर लोगों को पसंद आए और मुझे भी बड़ा कंफर्टेबल फील होता है इस तरह से अगर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आपके लिए अंक नंबर से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। मूलांक एक से लेकर नौ तक के लोगों के लिए मैं रेमेडीज बता रही हूँ। फिर मैं अलग अलग मूलांक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हर मूलांक वालों के लिए बड़ी बड़ी वीडियो डालूंगी कि क्या कैसे होते हैं उनका नेचर, करियर, सब कुछ डालूंगी मैं, अंक हर चीज डालूंगी डिटेल में। बट अभी मैं उनके लिए एक रेमेडीज डाल रही हूँ कि मूलांक एक वालों के लिए क्या करना चाहिए उपाय, और इस तरह से एक से लेकर नौ तक। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन लोगों का मूलांक एक होता है। तो जिनका जन्म किसी भी महीने का एक तारीख, दस तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, 1, 10, 19 और 28, उनका होता है मूलांक एक। मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाकर डाल दूंगी कि कैसे आप अपना मूलांक निकाल सकते हो। ऐसे मैं डाली हूँ लुसुग्रीर की कुंडली में, आप देखना। ठीक है, मूलांक कैसे निकलता है। डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में करते हैं, एक से नौ तक ही होगा। अगर किसी का जन्म एक से 31 तक हुआ तो भी वो एक से नौ में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ना कि मूलांक एक वालों का। अब इन मूलांक एक वालों के देवता कौन है? सूर्य देव है। और इनको क्या करना चाहिए? इनको भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए, तांबे के लोटे में पानी, रोली, चावल, लाल फूल, गुड़हल का हो, गुलाब का हो, कोई भी लाल फूल, एक रुपये का सिक्का, ये सब डालकर और सूखी लाल मिर्च के बीज, या तो आप 7 लो, या तो 9 लो, या तो 11 लो, या तो 21 लो, हर रविवार को उनको सूर्य देव को 8 बजे से पहले पहले जल देना चाहिए। और अनार का भोग इनको लगाइए आप, अनार को बीच से खोलकर और ऐसे खोलकर इनको भोग लगाइए अनार का, तो और वो फिर पूरे परिवार वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। और इनको लाल रंग का प्रयोग, पीला, सुनहरा, मतलब इस तरह से होता ना चमकीला, ऑरेंज, इस कलर का जो मैं दुपट्टा ओढ़ी हूँ इस कलर का भी, ये सूर्य देव का कलर होता है। इनको कॉपर पहनना चाहिए, तांबा, तांबे की अंगूठी या लॉकेट इनके लिए बहुत अच्छा होगा, जिन लोगों का मूलांक एक है। और राम जी की पूजा करनी चाहिए मूलांक एक वालों को, और सूर्य देव की पूजा नियमित आप करें, आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज में, उच्च पद को आप प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़े अभिमानी भी आप होते हो जो नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है कि आपकी प्रगति रुक जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक दो वालों का। मूलांक दो किनका किनका होता है? तो मैं पहले बता दूं, जिनका जन्म 2 को, 11 को, 20 को और 29 को होता है, तो उनका दो हो जाएगा ना।
29 को भी काउंट करेंगे तो 2 आएगा, 11 तो 11 11 आपस में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 20 को जोड़ेंगे 19 को जिनका जन्म है तो वो भी 2 आ जाएगा, जिसका 2 है, 2 तो है ही। तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट में इसको लाएंगे। तो उनका प्लैनेट कौन है? चंद्रमा। उनको क्या करना है? 2 नंबर के स्वामी चंद्रमा हैं, तो उनको चंद्र देव को की पूजा करनी चाहिए। गले में सिल्वर की पहने या अनामिका उंगली में सिल्वर का छल्ला इस तरह का पहन सकते हैं। चांदी, जितना आप चांदी पहनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के स्वामी चंद्रमा हैं, ग्रह के स्वामी, उनको क्या करना चाहिए कि पूर्णिमा की व्रत रखनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए। चांदी का गिलास लीजिए, सफ़ेद चावल डालिए, सफ़ेद फूल डालिए, एक सिक्का डाल दीजिए। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो किसी भी स्टील के गिलास में और एक चांदी का सिक्का या रिंग कुछ भी डाल दीजिए। और कच्चे दूध, कच्चा दूध का इनको अर्घ देना चाहिए। और मिश्री या खीर बना लीजिए, सबसे बेहतर है कि आप खीर बना लीजिए और वो प्रसाद चढ़ा के पूरा परिवार आप खाइए, पूरे परिवार में शांति बनी रहेगी, है ना। और क्या है कि जिन लोगों का मूलांक 2 होता है ना, उनके पास लोगों को बैठकर बड़ा शांति मिलता है। उनको लगता है अरे इनके पास बैठकर तो बड़ा मेरा मन शांत हो गया, है ना। तो मूलांक 2 जो वाले लोग बहुत पारिवारिक होते हैं, परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, उनका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होता है, है ना। तो इस तरह से मूलांक 2 वाले लोगों की खासियत होती है कि वो काफ़ी अच्छा हीलर होते हैं वो। अब हम बात करते हैं और इनको वस्त्र में क्या पहनना चाहिए। सफ़ेद कलर, जितना ज़्यादा ये सफ़ेद रंग अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा, इनके लिए तरक्की होगा। सफ़ेद दुपट्टा ले लीजिए, सफ़ेद सूट, सफ़ेद रुमाल। शुर जिसका मूलांक 1 है वो पीला रंग का रुमाल रख ले अपने पास, जिसका 2 है वो सफ़ेद रुमाल अपने पास रख ले, ठीक है। जितना ज़्यादा उजला रंग वो करेगा अपने जीवन में प्रयोग उतना अच्छा है। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वालों का मूलांक 3, जिसका जन्म 3 को, 12 को, 21 को, 30 को होता है, उनका मूलांक होता है 3। तो उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो क्या है? गुरु बृहस्पति, है ना। तो बृहस्पति हैं तो उनको क्या करना चाहिए? 3 वाले को गुरु विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। पीला रंग का प्रयोग ज़्यादा करें, पीला फूल, गेंदे का फूल शाही मंदिर में जाकर चढ़ाइए और विष्णु जी की पूजा कीजिए। केला की पेड़ की पूजा कीजिए, चना का दाल, केला, पीला रंग का प्रयोग करें। चावल को भी हल्दी में रंग दीजिए, हल्दी डालकर उस दिन आप जरूर नहाइए। जिनका भी मूलांक 3 है उनके हर काम बनेंगे, और जिनका 2 है उनको कच्चा दूध पानी में डालकर नहाना चाहिए, ठीक है। मूलांक 3 वालों को हल्दी डालकर नहाना चाहिए, उनके हर रुके हुए काम बनने लगेंगे। थोड़ा मतलब पीला रंग का प्रयोग आप ज़्यादा करो, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान के देव होते हैं गुरु। तो इस वजह से आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए। कच्ची हल्दी का प्रयोग आप जितना ज़्यादा करेंगे, दूध में भी कच्ची हल्दी डालकर पिएंगे तो उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। अब आप बात करते हैं मूलांक 4 वालों का, जिनका जन्म 4 को, 13 को, 22 को, 31 को हुआ है। जैसे मेरा 31 का है, मेरे मूलांक 4 हैं। तो हमारा जो स्वामी ग्रह है वो राहु, जिसके पास सब है। तो ठीक है, राहु जो होता है वो क्या है कि अच्छे ग्रह के साथ बैठता है तो अच्छा करता है, बुरे के साथ बैठता है तो बुरा करता है। राहु और केतु यही काम करते हैं ना, दोनों में 180 डिग्री का फासला होता है राहु और केतु में।
तो मूलांक चार वालों को क्या करना चाहिए? दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और जो जिनका भी मूलांक चार है वो इतने बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं ना, काया पलट जाती है। चार नंबर समझ लीजिए कि जो लोग, साधारण इंसान जो काम नहीं करेगा वो मूलांक चार वाले लोग करके दिखा देते हैं, बिल्कुल उनकी जिंदगी पलट जाती है। अचानक में वो क्या से क्या हो जाते हैं। राहु ऐसा ही करता है, राजा को रंक बनाता है, रंक को भी वो राजा बना देता है। तो जिनका भी स्वामी राहु है चार नंबर के, तो उनको ईमानदार होना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। और ये तो पता ही है सबको कि ये छाया ग्रह है, इन लोग को तो कोई घर मिला ही नहीं है राहु और केतु को, ये छाया घर ग्रह है ये। तो ये लोग बहुत रहस्यात्मक होते हैं, जो राहु वाले लोग होते हैं। चलिए अब इनको मैंने बताया कि ये हल्का नीला रंग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राहु वालों के लिए है ना, ब्लू वगैरह ये सब बहुत अच्छा रंग इनके लिए होता है। और ये आध्यात्मिक भी होते हैं जिनका भी स्वामी ग्रह राहु होता है। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा होता है। और जिनका पाँच मूलांक पाँच है, जिनका जन्म पाँच को, चौदह को, तेईस को हुआ है, उनका स्वामी बुध है, बुध है उनके स्वामी। तो उनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, हरा रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए, मूंग दाल के लड्डू चढ़ाने चाहिए, हरा रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और या तो आप हरा रुमाल रख लो है ना, हरा रुमाल आप रख लो, और राहु वाले को नीला जैसा नीले कलर का जो रुमाल होता है वो रख सकते हैं, नीला रंग का प्रयोग आप ज्यादा करो। और मूलांक जिनका पांच है बुध वाले को हरा रंग का रुमाल रखना चाहिए, हरा कपड़ा पहनो आप ज्यादा, ठीक है। और जो जिनका बुध होता है, बुध बीच में आप देखते हो ना, वो सबके मित्र होते हैं, सिर्फ वो चंद्रमा और मंगल के बुध जो है वो मित्र नहीं होते हैं, अन्यथा वो सभी ग्रहों के मित्र हैं। तो वो बैलेंस में चलते हैं, परिवार को खुशियां देते हैं वो, लेकिन अपने ऊपर वो पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन परिवार को खुश रखते हैं, बैलेंस में चलेंगे। और बुद्धिमान होते हैं बुध वाले लोग, बहुत बुद्धिमान होते हैं। कुंडली में अंक गणित में बुध का बहुत महत्व है, इसीलिए उनको बीच में स्थान मिला है पांच नंबर को। और ये जरूरी होता है, जिनकी कुंडली में नहीं है तो कुआं नंबर से हम लोग पांच नंबर निकालते हैं, ठीक है। अब जिसका स्वामी ग्रह छह है ना, छह है, जिसका जन्म छह को, पंद्रह को, चौबीस को हुआ है, उनका स्वामी ग्रह शुक्र है, छह नंबर। जो मीडिया से रिलेटेड ब्यूटी कॉस्मेटिक है ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा कपड़ा पहनना, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ऐशो आराम वाली गाड़ी, बंगला, पैसा, दिखावा। चाहे तो घर की स्थिति कैसे भी खराब क्यों ना हो, बाहर के लोगों को दिखा नहीं सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, वो रखे हुए चीज पहनेंगे, दिखाएंगे कि अभी बहुत मैं अच्छे में हूं, किसी को नहीं बताएंगे कि मेरे पास पैसे की कमी है। दिखावा, शो अप बहुत ज्यादा होता है छह नंबर, जिसका मूलांक छह है ना, उनके स्वामी ग्रह शुक्र है। उनको किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, गुलाब का फूल, कमल का फूल लक्ष्मी जी को आप चढ़ाइए और आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। चांदी का प्रयोग भी करना चाहिए ज्यादा है ना।
तो शुक्र वाले लोगों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मिठाई, सफेद मिठाई आप छोटी कन्याओं को बांटो, आपके रुके हुए काम होने लगेंगे। सफेद मतलब चावल खंडित नहीं होनी चाहिए, चावल आप लक्ष्मी जी के पास एक चांदी के कटोरी में हमेशा भर के रखो। फिर उसको हर महीने महीने चेंज कर दो, जो आपके चावल का ड्रम है ना उसमें वो चांदी की कटोरी वाला चावल डाल दो, फिर एक नई चावल भर के रख दो। सफेद चीज, सफेद रुमाल, इसका प्रयोग करना चाहिए। छह नंबर वाले को लोगों के लिए सफेद लाल दोनों रंग उनके लिए है। और हम बात करते हैं सात नंबर, जिनका मूलांक सात है, जिनका जन्म सात को, सोलह को, पच्चीस को हुआ है, उनके स्वामी ग्रह केतु, राहु के पास सर है तो केतु के पास धड़ है, ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन केतु बहुत परेशान भी करता है। उम्र बढ़ने पर कमर के नीचे से अंगों में वो परेशानी देता है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, और वो थोड़े केतु लॉस भी करवाता है प्रॉपर्टी का। और फिर ये लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं जब पूरा केतु इन लोगों को जमीन पर लाकर के जब खड़ा कर देता है, तो ये लोग इतना धक्का खा के, चोट खा के, फिर ये लोग आध्यात्मिक होते हैं और ईश्वर को तब मानते हैं जब सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो ये होता है केतु वाले लोग, ऐसे ये आध्यात्मिक होते हैं। जितने भी खोज हुआ है, मोक्ष, केतु मोक्ष दिलाता है। कुंडली में बारहवें भाव में अगर केतु आ गए तो ये मोक्ष दिलाते हैं आदमी को। विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश में सेटल करवा देंगे, ये केतु का काम है। अगर ये अच्छे नहीं है तो कलह भी करवाते हैं, काफी कलह कराते हैं। तो इनको खुश करने के लिए गणेश जी की पूजा कीजिए, दुर्गा जी की भी पूजा कीजिए। ये राहु केतु क्या है, सर और धड़ दोनों को मिला दो, तो जो उनको पूजा करना है, राहु वालों को, केतु वालों को भी करना है, गणेश जी की और दुर्गा माता की। राहु केतु वालों को झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो शनि जो होते हैं ना वो सजा जरूर देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इन लोगों को ईमानदार बनना चाहिए, किसी से एक रुपया भी कभी उधार नहीं लेना चाहिए, किसी चीज में कम नहीं कराना चाहिए पैसा, ये ज्यादा दे दो वो चलेगा, कम नहीं कराना चाहिए। सब्जी वाले से धनिया मिर्ची फ्री में नहीं मांगनी चाहिए, जिनका भी शनि राहु केतु वगैरह है स्वामी के। तो अब आते हैं बात आठ नंबर, मूलांक आठ, जिनका जन्म आठ को, सत्रह को, छब्बीस को हुआ है। छब्बीस छह दो को जोड़ोगे तो आठ हो जाएगा, सात और एक को जोड़ोगे तो आठ हो जाएगा। जिनका मूलांक आठ है, उनके स्वामी ग्रह शनि है, तो उनको क्या करना चाहिए, शनि मंदिर जानी चाहिए, सरसों के तेल में लौंग डालकर पूजा करनी चाहिए, काले वस्त्र का दान करनी चाहिए। लेबर मजदूर, इनका संबंध शनि से होता है, तो उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो। जो आपके घर में मेड आती है, जो आपके सोसाइटी में गार्ड हैं, उन लोगों, गरीबों के, मजदूरों के स्वामी हैं शनिदेव, न्याय के देवता हैं, उनको ये जितना ईमानदार बनेंगे शनि वैसा ही इनको परिणाम भी देते हैं। तो शनिदेव की, हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिदेव शिव जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए आप हमेशा, और मंदिर जाइए, है ना। अब क्या करना है कि अब होता है आखिरी मंगल, नाइन नंबर, जिनका जन्म नौ को, अठारह को, सताइस को हुआ है, उनके स्वामी ग्रह मंगल, मंगल देव बहुत क्रोधी, इनको लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, शनि वाले को नीला आसमानी ये रंग सूट करता है, काला भी पहन सकते हैं कभी कभी, लेकिन मंगलवार, मंगल जिसका है ना, जिसका स्वामी ग्रह, तो लाल रंग तो ये अच्छा है, इनको सूट करेगा, लेकिन क्रोधी बहुत होते हैं ना, तेज बहुत होता है, तो थोड़ा हल्का पहने कलर तो चलेगा, क्योंकि और ज्यादा ये गुस्सा हो जाएंगे। इनमें ये मांगलिक भी होते हैं, जिनके लगन में मंगल होते हैं, जिनके कुंडली में लगन में छह आठ बारहवें घर में मंगल जाकर बैठ जाए, तो वो लोग मांगलिक भी होते हैं, ये बहुत क्रोधी होते हैं, मंगल दोष होता है इनको,
खैर इनमें बहुत तेज ऊर्जा सब होता है, तो इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। गुलाब की फूल ये तो अड़हुल की फूल आप चढ़ाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। लड्डू चढ़ाइए, बेसन के लड्डू, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को आप चढ़ाइए, इनको खुश रखिए तो ये आपके फेवर में काम करेंगे। और हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लेकर आइए, पूरा परिवार लगाइए और 1 रुपया का सिक्का कहिए पंडित जी को कि इनके दाहिने पैर में चिपका दे और दाहिने पैर का सिंदूर अपने मस्तक पे लगवाएं, घर भी लेकर आए। इस दिन पूरी सब्जी खीर या हलवा बनाकर मंदिर के बाहर आप बांट भी सकते हो। थर्सडे को के दिन भी ऐसा कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, पूरे हफ्ते आप थोड़ा मंदिर के बाहर थोड़ा घर से बनाकर ले जाइए, पूरी सब्जी हलवा या खीर लोगों में बांटिए जाकर। आप इतना कीजिए तो हर आपके जो स्वामी ग्रह हैं आपके फेवर में काम करेंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, जो काम बरसों से अटका है वो भी होने लगेगा। क्योंकि जब अपने इष्ट को खुश रखेंगे आप, ये आपके इष्ट देव हैं, तो फिर जो ग्रह खराब भी है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं अगर वो खुश हैं, जैसे हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम अपने माता पिता से ही मांगते हैं ना, तो हम भी अपने इष्ट से ही तो मांगेंगे ना। हर सुख दुख में हम उनको ही तो याद करेंगे ना, पूजा तो सबकी करेंगे लेकिन अपने इष्ट को प्रथम रखेंगे, उनसे ही मांगेंगे। तो आज यही था मेरा मकसद कि मैं आपको रेमेडीज बताऊं मूलांग 1 से 9 के लोगों को, कि उनको अपने इष्ट को खुश रखना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए। जिनका 9 है वो लाल रंग के वस्त्र की दान करें, है ना, बूंदी की प्रसाद बांटे। मैंने कहा ना कि आप पूरे हफ्ते मंदिर के बाहर ले जाकर के जो प्लैनेट आपके फेवर में नहीं है उनकी भी दान कर सकते हो और जो अच्छे हैं उनकी भी दान कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही रहा हमारा मूलांक 1 से 9 वालों के लिए रेमेडीज, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ बताने में मैं भूल गई होगी तो फिर और कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उसमें डाल दूंगी। आप मेरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।